मॉर्निंग में इट्स 5 AM और मॉर्निंग में कार्डियो के लिए शूट मारूंगा मैं स्टेडियम में। 1 2 गो। सो अभी मैं रनिंग करके आया हूँ, करीब करीब 3 किलोमीटर की रनिंग करी है और 200-200 मीटर के 2 शूट्स किए हैं। इतनी रनिंग करने के बाद में स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है, रनिंग से पहले भी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और उसके बाद में भी करनी चाहिए। सो अभी स्ट्रेचिंग करते हैं, सम ऑफ द बेसिक स्ट्रेचिंग्स। इस पोजीशन में बैठ के जिससे कि आपकी आईज की और लोअर लेग्स की काउस के फ्रंट वाली जो लेग पोर्शन है उसकी जो मसल्स है पूरी स्ट्रेच हो जाती है अगर इस पोजीशन में आप बैठते हैं तो। आज का वर्कआउट जो कार्डियो था वो कंप्लीट हो चुका है, अभी घर जाता हूँ और डाइट लेते हैं, बाकी की चीज़ें आपसे शेयर करूँगा मैं क्या करना है पूरे दिन में। सो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है और ब्रेकफास्ट में मैं डेली बेसिस पे 2 एप्पल्स खाता ही हूँ। सो पहले जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि एप्पल को हमेशा काटने के बाद छिलका उतार कर खाएं क्योंकि इसके ऊपर वैक्स होती है, जैसा कि इस एप्पल में भी है। एनीवेज ये वीडियो तो आप देख चुके हैं, जस्ट शोइंग इट अगेन जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी। इसके ऊपर वैक्स होता है, ये देखिए ये वैक्स जमा है। सो हमेशा एप्पल को आप काटने के बाद छिलका उतार कर खाएं। एप्पल को आप अपनी डाइट में डेली ऐड कर लें। एप्पल खाने के बेनिफिट्स बता देता हूं आपको। एक तो एप्पल खाने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बर्न होता है। ये कुछ बीमारियों से भी बचाता है आपको, जैसे कि कैंसर, आपकी भूख बढ़ाता है। इसके अंदर फाइबर होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एप्पल खाए हुए अब 2 घंटे हो चुके हैं करीब, अब टाइम आता है नेक्स्ट डाइट का हमारी। सो नेक्स्ट डाइट में ये एग्स हैं, ये 7 अंडे हैं, 7 अंडों में से मैं 4 अंडों का वाइट और 3 अंडों का वाइट एंड येलो दोनों साथ में कंज्यूम करूँगा। सो टोटल 7 eggs हैं। और एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, स्मॉल इंटरवल्स पे स्मॉल डाइट्स लेते रहें, जिससे क्या रहेगा आपकी भूख रहेगी वो बढ़ती रहेगी। हर 2 घंटे के ब्रेक में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए और खाने में वेरिएशंस लाइए, जिससे क्या होगा कि आपके विटामिन एंड मिनरल्स जो है बॉडी में वो चेंज होते रहेंगे, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है डिफरेंट विटामिन एंड डिफरेंट मिनरल्स की वो पूरी होती रहेगी। सो दिस इज़ लंच टाइम और लंच में अब हम क्या क्या खाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये दही है एंड दिस इज़ मटर एंड मशरूम, बाजरे की रोटी, मक्खन
ये भुर्जी है मूली की एंड दिस इज लस्सी। सो अपने खाने में सब कुछ इंक्लूड करें जिससे कि आपको सारा न्यूट्रिशन मिले। सो अभी मैं लंच में ये सब खाने वाला हूँ। सो अभी मैं 2 घंटे बाद जिम जाऊँगा, उससे पहले मैं अपनी डाइट जो कंप्लीट कर लेता हूँ। हमेशा याद रखें, जिम जाने से करीब 2 घंटे पहले डाइट लीजिए आप, क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जिम से तुरंत पहले कुछ खाना अवॉइड करें, करीब करीब 1.5 से 2 घंटे पहले आप अपनी डाइट लें। दोबारा डाइट में हम फिर से 7 अंडे, और इस बार शाम के टाइम में इसमें ये मटर एंड मशरूम की जो सब्ज़ी है वो ऐड कर रहा हूँ, और साथ में दही है, क्योंकि खाली एग्स खा कर हमारा जो टेस्ट है वो चला जाता है, और कभी कभी हम बोर फील करते हैं एक ही चीज़ डेली खा कर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी डाइट में वेरिएशंस रखिए ताकि आपका टेस्ट भी बना रहे और आपके जो विटामिंस और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहे। सो अब हम एंजॉय करते हैं एग्स विद मटर मशरूम एंड कर्ड। शाम हो चुकी है, करीब 7 बज चुके हैं, और अब टाइम हो गया जिम जाने का। गाड़ी में बैठ गया हूँ मैं, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट, इसमें करीब 99% ये डार्क चॉकलेट है, बहुत ही टेस्टलेस है ये, और इसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करें आप डार्क चॉकलेट खाएं, इससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, आपके वेंस जो है वो क्लियर रहते हैं, ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करता है डार्क चॉकलेट, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, रेगुलर बेसिस पे आप खा सकते हैं इसको। पूरी नहीं खानी है, 2 या 3 स्लाइस जो होती है चॉकलेट की वो खानी है आपने। मैं अमूल की खाता हूँ, ये थोड़े रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है, 150 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। ये 150 रुपीज़ में इसका कंटेंट जो है वो करीब 125 ग्राम ही आती है। आप इसको 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं निकलता हूँ जिम के लिए, एंड कैच यू गाइस देयर। जिम आ गया हूँ मैं, एंट्रिंग, अभी करते हैं वर्कआउट, हैवी हैवी हैवी। नमस्ते जी, कैसे हो आप? ये हमारे गार्ड भैया, दिस इज कार्डियो सेक्शन। Entering the temple. So this is my temple. Let's start with the workout. So after general stretching, आज जो workout हम करेंगे legs का workout करेंगे। हर exercise में एक एक set cover करके मैं upload करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता चले legs में हम क्या कर रहे हैं। दो body parts cover करेंगे, legs and arms. So first exercise starts with squats. Thank you.
आफ्टर लेग वर्कआउट अभी हम आर्म्स का वर्कआउट करेंगे और लेग्स को जाते हैं आर्म्स का वर्कआउट करना चाहिए। रीज़न आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो काफ़ी बूस्ट हो जाता है लेग्स वर्कआउट के बाद में। सो टू गेन बिग साइज ऑफ आर्म्स लेट्स स्टार्ट आर्म्स वर्कआउट आफ्टर लेग। So this is the last exercise for arms और forearms, biceps सभी कवर हो गए। अब इसके साथ में arms का वर्कआउट जो है वो फिनिश हो जाएगा।